चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको मालूम है कि कल के लेक्चर में हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद में मैकेनिक्स का यानी पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का टाइप है, जिसको हमें, मैं बोल रहा हूं कल से कि मोर देन 8 टॉपिक्स में हमें यूज करना है, उसका डिस्कशन कर शुरू किया था। दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन से इक्वेशंस? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और कल हमने देखा था कि ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस कितने हैं, तीन है। पहला वाला v equals to u plus at, दूसरा v square equals to u square plus 2as, तीसरा s equal to ut plus half of at का square। ठीक है, ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो बेसिकली आपको 8, 9, 10 से मालूम है। इस रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए एंड कल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो कुछ बेसिक डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेटा मैंने दिया था। आप सब लोगों ने भी सब आंसर करेक्ट बोले थे, फिर से मैंने वो सॉल्व करके आपको शो भी किया था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये काइनेमेटिकल इक्वेशन में जो है स्टेप बाय स्टेप अपन लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो v equal to u plus at, v square equal to u square plus 2s, s equal to ut plus half of at का square। ठीक है, ये basic तीन kinematical equations है जो कल मैंने introduce किए थे, आपको पहले से भी मालूम था और हमने उसके ऊपर कल question भी solve किए थे। इसमें मैं बस और एक kinematical equation add करने वाला हूं जो हमें topic में बहुत ज्यादा help करने वाला है, बहुत ज्यादा काम का है, और इसको अपन बोलते हैं ऐसे कि sn equals to u plus a by 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कर दिया, बाजू में स्टार मार्क भी कर दिया, मतलब इसका इंपॉर्टेंस जरा ज्यादा है, ये थोड़ा भारी वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में मैं मीनिंग्स पूछता हूं, आप लॉजिक लगा के बोलो s सफिक्स n, sn है, ये क्या होगा sn का मतलब, या फिर किसी को मालूम है क्या ये इक्वेशन कब यूज करना है? ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन तो मालूम है, कभी भी अप्लाई करो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर, लेकिन ये स्पेशल केस में एप्लीकेबल है। कब? चलो, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रणीता ऐसे कैसे होता है, तेजस डिडंट नो, कल्याणी नंबर ऑफ, यस नहीं, चलो बोलते जाओ गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐश्वर्या क्या होगा ये एसएन वाला इक्वेशन, यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, डोंट नो, सम ऑफ एन, नहीं सनी, nth डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड स्वप्निल, ये करेक्ट आंसर है। ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है और ये कब यूज करना है, इसलिए मैं यहां पे लिख के देता हूं कि इफ वी हैव टू फाइंड, इफ वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, एक ही कंडीशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को बोला जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए तो पहले से हमारे पास फॉर्मूला था ut plus half of at square, ये नया क्यों आ गया? इसमें ये s equal to ut plus half at square में and sn equal to u plus a by 2 in bracket 2n minus 1, ये दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, लॉजिक लगा सकते हैं क्या डिफरेंस है? क्योंकि इस डिफरेंस वाले सम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस में एंड एवरेज में। यहाँ पे जो यन आपको दिख रहा है, इस यन को अपन टाइम ही बोलते हैं, उसको टी तो भी बोल सकता हूं, लेकिन हर तरफ प्रिंट करके यन बोलते हैं तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए सर ने अलग पढ़ाया था, एनसीईआरटी में अलग दिख रहा है, इसलिए वही कन्वेंशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं। है क्लियर, कम ऑन फास्ट, बोल सकते हो क्या डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस टाइम, वेरी गुड सनी, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए यंत सेकंड में, यंत मतलब फर्स्ट, यंत मतलब सेकंड, यंत मतलब थर्ड, यंत मतलब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मतलब पर्टिकुलर सेकंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि थ्री डिफरेंट है, थर्ड डिफरेंट है, फोर डिफरेंट है एंड फोर्थ डिफरेंट है, ये मालूम है ना सबको, थ्री एंड थर्ड सेम नहीं है, थ्री एंड थर्ड डिफरेंट है, फोर एंड फोर्थ वो भी सेम नहीं है। शुभम तू लेट ज्वाइन करता है, एन का मतलब टाइम है, यहां पे लिख के भी दिया है मैंने, एन का मतलब टाइम है। यहां पे क्या डिफरेंस है थ्री एंड थर्ड में, याद है क्या, देखो याद करने का ट्राई करो, फोर एंड फोर्थ में क्या डिफरेंस है, थ्री एंड थर्ड में क्या डिफरेंस है, चलो कमन फास्ट। थ्री अगर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है जीरो से लेके तीन सेकंड कंप्लीट होने तक का पूरा टाइम,
ये फिजिक्स के लिए नहीं है, इन जनरल कभी भी आपको एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाता है कहां तक पढ़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे दसवीं तक, और आपको बोला जाएगा कि अब कौन सी स्टैंडर्ड में, तो आप क्या बोलेंगे इलेवंथ स्टैंडर्ड में, तो उस तरह की कंडीशन है। एंड अगर मैं यहाँ पे थर्ड लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा सेकंड के बाद में, मतलब सेकंड से बड़ा एंड फोर्थ से छोटा जो कुछ भी है उसको अपन थर्ड बोलते हैं। मतलब जीरो से टू तक क्या हुआ था वो लेना देना नहीं है, सेकंड खत्म होने के बाद फोर्थ शुरू होने से पहले जो था टाइम वो थर्ड टाइम है। एंड अगर आपको थ्री बोलेंगे उसका मतलब जीरो से लेके थ्री, ये डिफरेंस होता है जिसको हम पहले यूज भी कर चुके हैं, मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, ठीक है। यस देवेश करेक्ट है, प्रणीता करेक्ट है, गुड ग्रेट गोइंग। उसी तरह से ये दोनों इक्वेशन है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं इसको रब करने वाला हूं। अगर आपको बोला जाएगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 5 सेकंड में, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 5 सेकंड में, तो कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट कि उसके लिए हमारे पास यही एक इक्वेशन है, यस इक्वल टू यूटी प्लस आप ऑफ बीटी स्क्वायर। लेकिन अगर हमें बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो इन 5th सेकंड, तो क्या करेंगे, क्योंकि 5th सेकंड के लिए ये ऊपर का फॉर्मूला नहीं चलता है। कल मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स लिए उसमें एक में भी ऐसे नहीं था 3rd सेकंड 5th सेकंड 10th सेकंड, ऐसे नहीं था, क्या था 10 सेकंड, इसका मतलब वो डिफरेंस था, ठीक है। तो ये इक्वेशन कब यूज करना है सबको क्लियर है, कमेंट फास्ट कमेंट में। SN equals to U plus A by 2 in bracket 2N minus 1, SN equals to U plus A by 2 in bracket 2N minus 1 कब यूज करना है क्लियर सबको, कमेंट फास्ट। Yes, so here इनकी मीनिंग अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूं। SN का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट इन यंथ सेकंड, यहां पे जो U है इसका तो यूजुअल वही मीनिंग रहेगा, शुरुआती इनिशियल वेलोसिटी, जो A दिख रहा है वो तो पहले जैसा ही होगा एक्सेलरेशन। N का मतलब इंपॉर्टेंट है, N मतलब जो भी आपको टाइम बोला जाएगा nth टाइम वो रहेगा N, ठीक है। ये मीनिंग्स को देख लो, इनको एकदम ऐसे प्रोग्राम में फील्ड टाइप करो, टाइप करके सेव कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत सारा डिस्कशन चलने वाला है, ठीक है। तो अभी जो बोर्ड पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस दिख रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम हमें 3 से 4 लेक्चर अभी इन्हीं इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है आगे, तो इनकी मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। एंड इसके बाद में मैं कुछ आपको लिख के देने वाला हूं जो है गोल्डन रूल्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जो आपको हर एक काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने वाले करते टाइम हेल्प करने वाले हैं। जो मैं लिख के देने वाला हूं वो एकदम कॉमन सेंस की बात है, जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लगेगा कि सर ये कोणलापन करते हे लिहायची काय गरज है, बट जब ये क्वेश्चन में आएगा, जब ये एसबीटी में पूरा स्टेटमेंट फॉर्म करके आएगा, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जो हिडन डेटा होता है वो समझने के लिए ये रूल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो काइनेमेटिकल इक्वेशंस के डेरिवेशन है सनी, लेकिन वो हमें कंसेप्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम के नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा लेकिन उससे रिलेटेड एसबीटी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इसके डेरिवेशन हमें कुछ यूज के नहीं है, वो बोर्ड्स में है एनसीईआरटी के, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले अपन जो है बेसिकली एसबीटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे उनको सॉल्व करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है उसके लिए ये काइनेमेटिकल इक्वेशन इंट्रोड्यूस करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने वाले, क्लियर सनी। चलो अब भारी भारी क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते टाइम कुछ स्टेटमेंट में बोर्ड पे लिखूंगा वो कॉमनली, मतलब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें वही स्टेटमेंट वही कंडीशन दी जाएगी। अगर ये समझ ली, अगर इसको लर्न कर लिया, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया, तो बिलीव मी कि लोगों को लगता है कि फिजिक्स में सबसे डिफिकल्ट यही पार्ट होगा काइनेमेटिकल इक्वेशन के एप्लीकेशंस के सम। लेकिन अगर ये रूल्स आपने लर्न कर लिए तो वो एकदम सिंपल बनने वाले, ठीक है। जिसके लिए मैं कुछ बातें लिख के दे रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर आपको स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कमन फर्स्ट मालूम है आपको, बोलते जाओ, व्हाट इट मींस, वेरी गुड तेजस, इसका मतलब होगा
इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी काइनेमेटिकल इक्वेशन में जहां पे भी यू दिखेगा हम उसको जीरो लिख देंगे, जहां पे भी यू दिखेगा हम उसको जीरो लिखेंगे, करेक्ट है, ठीक है। अगर उसी तरह से आपको बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट में आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वैसे बॉडी कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, करेक्ट है। कीर्ति, समीक्षा, आशुतोष, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कॉमन स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मतलब पहले रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, कमिंग टू रेस्ट आ रही है, रुक रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो बनेगी, ठीक है। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो बोलो टाइप करके, ठीक है। हाँ, अगर बॉडी कमिंग टू रेस्ट है, इसका मतलब होगा कि इनिशियली वो बॉडी मोशन में थी, ठीक है, बॉडी रेस्ट में आ रही, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा इनिशियल भी जीरो थी, तो जीरो से लेके जीरो तक कोई इक्वेशन अप्लाई नहीं होंगे, देव, ओके, चलो। उसके बाद में अगर आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी, अब बोलो क्या होगा। आई नो सबको मालूम है, बस थोड़े से कष्ट लो टाइप करने के, चलो बोलो। बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मुझे चाहिए, वही काइनेमेटिकल इक्वेशन, लेकिन वहां पे क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब यू जीरो है, तो हम डायरेक्टली बिना सोचे समझे वहां पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वेयर, वेर ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। उसी तरह से पूरा स्टेटमेंट अगर रिपीट कर दिया और उसमें बस एक चेंज किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और उसको बोला है कि स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, ऊपर का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज है, डिफरेंस क्या है, यहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, यहां पे स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू है, देन ये इक्वेशन फिर से हमें पहले वाला ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। चलो क्लियर, क्लियर तो होगा ही होगा, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझ में आएगा ये कितनी हेल्प करते हैं, इसको इजी मत लो बेटा, ठीक है ना, इतनी सिंपल है फिर भी मैं लिख के दे रहा हूं, तो इंपॉर्टेंस समझ लो इसका, अभी सबको समझ में आ रहा है, सबके आंसर्स भी करेक्ट है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चंस में आते हैं तब ये आपको फिजिक्स मतलब क्या है ये अच्छी तरह से, मेरे से भी अच्छी तरह से समझाते हैं, ठीक है। चलो आगे, अगर आपको बोला जा रहा है कि आगे आगे हम क्या करेंगे, पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन पढ़ेंगे, बाद में वही मोशन हमें क्या करनी है, वर्टिकल प्लेन में पढ़नी है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से स्टोन को फेंकना है, कितने टाइम में जाता है, कितनी वेलोसिटी से जाता है, ऊपर फेंका कितनी देर तक जाएगा, पैराशूट से में से किसी को बाहर फेंक दिया कितनी देर बाद नीचे गिरेगा, उसको कितने लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी बातें आगे आने वाली है। तो वहां पे अगर ये वर्ड यूज किया है कि इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, अगर बोला जा रहा है कि बॉडी को पर्टिकुलर हाइट पे गए और वहां से छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, हमारे क्या काम का होगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि इससे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। सनी, वेरी गुड, ए पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। आशुतोष, ये आंसर मुझे चाहिए था, एक्सलेंट बेटा। बॉडी को ड्रॉप किया, इसका मतलब यू विल बी जीरो, ऐसे पकड़ के फेंका नहीं है, ऐसे पकड़ा था, छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, मतलब छोड़ने के टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो जब भी ड्रॉप किया बोला जाएगा, देव करेक्ट है, वेरी गुड। तो इसका मतलब होगा इनिशियली वेलोसिटी जो होगी वो जीरो रहेगी,
फिर से बॉडी को ऊपर से छोड़ा है और बोला गया है कि इफ ओ बॉडी इज और बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड और कोई फ्लोर होगा, बॉडी क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, गिर रही है, इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा? वेरी गुड, बोलो यस, देव बोलो, स्वप्निल बोलो, प्रियंका एक्सलेंट, शिवम चलो बोलते जाओ, सब लोग दे रहे आंसर, कीर्ति तेजस एंड यही पे आप मार खा गए, इसका मतलब वी नॉट इक्वल टू जीरो। चौक को छोड़ दिया, नीचे जाने के बाद इसके दो टुकड़े होते हैं, अगर ये जीरो वेलोसिटी से ग्राउंड पे जाता तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ती है कि ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे एंड उस बॉडी के पाथ में जो भी मतलब पाथ कवर किया था सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी वही पे होती है, उसी टाइम पे होती है जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। हाँ देव, बाउंस बैक होगा लेकिन वो कंडीशन अभी नहीं चाहिए, अभी जब ग्राउंड पे गिरा था स्ट्राइक कर रहा है तब की कंडीशन चाहिए। ये समझ गए सब लोग, v इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब इसका आंसर आप सब लोग बोलेंगे, इसमें स्टार ज्यादा जोड़ देता हूं क्योंकि अभी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने वाला हूं, ठीक है? इफ टू बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, देन अब मुझे बोलो दो बॉडी है, दो गाड़ी है, सनी किसमें बोल रहा तू, इसमें बोल रहा क्या, इसमें यू जीरो ही होगा, वी नॉन जीरो होगा अगर बॉडी स्ट्राइक कर रही है तो, ठीक है सनी? चलो अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ो और मुझे बोलो ये देन है, देन कि दो गाड़ी दो बॉडी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन भी है तो उनमें क्या सेम होगा? समीक्षा, समीक्षा का बोलना है यू सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, तेजस का देव का बोलना है, कल्याणी भी यू बोल रही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता ना। जैसे मेरे पास साइकिल है, एक्सलेंट वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखा था कि किसने किसने बोला था, सबसे पहले देव ने बोला था, वेरी गुड, डायरेक्शन तो सेम मैंने बोली सनी, स्वप्निल का भी करेक्ट आ गया बाद में, शुभम वेरी गुड, देवेश करेक्ट, शिवम करेक्ट, नहीं ना वंशिका, सब कुछ कैसे सेम होगा बेटा, एक एक की टाइम ज्यादा लगेगा दूसरे को कम लगेगा, समीक्षा करेक्ट, शुभम करेक्ट, नहीं वंशिका सब कुछ सेम नहीं होगा। तो याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूं, यहाँ पे औरंगाबाद से एक बस निकली और पहले जो बस निकली हम रेस लगा रहे कैम्ब्रिज से, है ना, वो जालना जा रही, तो हमारी जो बस निकली वो जीरो पहले रुकी हुई थी, रेस्ट में से निकली और फिर एक्सलरेट हो रही है, और एक बस मुंबई से आ रही थी नॉनस्टॉप औरंगाबाद पे रुकी नहीं, और उसी टाइम पे जस्ट जिस टाइम पे हमारी बस स्टार्ट हो रही थी उसी टाइम मुंबई से आने वाले बस ने इसको ओवरटेक कर दिया और दोनों जाने लगे सामने रोड पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गया, इससे पहले हमें लेना देना नहीं कैम्ब्रिज के, पहले कैम्ब्रिज के बाद में का पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे एज्यूम करते हैं कि हमारी जो बस स्टार्ट हुई थी उसने पहले जो बस जा रही थी उसको करमाड़ पे जाके ओवरटेक किया, मिल लिया, एक्सीडेंट कर लिया, या फिर दोनों वहां पे मिल गए, तो दोनों में क्या सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। समझ रहे हैं आप, हर बार ये बात याद रखनी है, इफ टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट है, अगर वो रास्ते में मिल रही है, मैंने लिखा था क्या वो, इफ टू बॉडीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, नहीं एक पॉइंट मेरा एक लिखना पॉइंट बाकी था, सेम डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड इफ दे मीट, अब मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे भी मिल सकते हैं, क्वेश्चन में बोलेंगे एक बच्चा था भागते भागते जा रहा है उसको बस पकड़नी है, या फिर बोलेंगे मोटरसाइकिलिस्ट है उसको कार को ओवरटेक करना था, ठीक है? ऐसे एग्जांपल में बस वर्डिंग चेंज करेंगे बट ये पार्ट यही पे रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड इफ दे मीट देन देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, देन देयर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम,
उस केस में इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, दो रहेंगे दस रहेंगे लेकिन हर बार वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, चलो देख लो, ध्यान से लिख लो इसको, कमन फास्ट देव करेक्ट है। दूसरी बस पहले, बस पहले से मोशन में थी लेकिन कैम्ब्रिज से पहले क्या हुआ था हमें कंसर्न नहीं है, हमें बस कैम्ब्रिज के आगे क्या हुआ था वो पॉइंट कंसिडर करना था। देव तो पहले का हमें पूछा भी नहीं जाता है, हम कंसिडर भी नहीं करते। ओके देवेश, तू हॉरिजॉन्टल मोशन में बोल रहा है या अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में बोल रहा है? बॉडी को अगर थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, फाइनल भी जीरो नहीं होगी, तुम्हारा करेक्ट है। चलो बाकी लोग, ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, क्योंकि लगे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं अभी। क्लियर? ओके, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख के रखो क्योंकि अभी इनको बार बार यूज करना है। ठीक है, if two bodies are traveling in the same direction but not starting from same point, मतलब कि अब क्या हो रहा है कि एक बस खड़ी है बस स्टॉप पे, जस्ट निकलने वाली है और हम बस के पीछे है 100 मीटर और हमें वो बस पकड़नी है, तो बस उस टाइम पे स्टार्ट होगी, उस टाइम पे हम 100 मीटर बिहाइंड होंगे, मतलब अभी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। तो अब के केस में क्या करना है मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, ठीक है, कि इफ टू बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड इफ दे मीट along their path then ऐसी सिचुएशन है, यहां से पहली बॉडी निकल रही है, दूसरी बॉडी ये पहले बॉडी के सपोज डी इतने डिस्टेंस बिहाइंड है, समझ रहे कंडीशन, यहां से निकलने वाले है एंड एज्यूम करो इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, तो मुझे अब इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन क्या बनेगा देखो, दोनों के लिए टाइम तो सेम है, आप इमेजिन कर सकते हो कि बस निकली 100 मीटर आगे है बस, वहां से निकली और मैं यहां से भाग रहा हूं बस को पकड़ने के लिए, मतलब दोनों की भी मोशन साइमल्टेनियसली शुरू हो चुकी है लेकिन उनका पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। तो अगर मुझे बस पकड़नी है, ध्यान से सुनो अब लोग, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्वेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूं, अगर बच्चे को या फिर मुझे या फिर जो भी पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, कोई छोटा बच्चा है, कुछ भी कोई भी है, उसको अगर बस को पकड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड बॉडी जो है इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये सेकंड बॉडी ये डिस्टेंस कवर करेगी, ये फर्स्ट बॉडी वेट थोड़ी करने वाली है, वहां पे मजाक चल रहा है क्या, बच्चा भागता आ रहा है पास में आने दो फिर भगाते, जैसे हम गाड़ी पे चल रहे और कुत्ते पीछे लग गए तो हम करते हैं पास में आ गए और भगाओ, पास में आ गए और भगाओ, वैसे थोड़ी चलेगा, ये तो स्टार्ट हो गई है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में ये भी इतना डिस्टेंस कवर करेगी D1। तो अगर ये सेकंड बॉडी को इसको ओवरटेक करना है तो उसी टाइम इंटरवल में सेकंड बॉडी को क्या करना पड़ेगा, D प्लस D1 इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये अगर आपको सच में समझ में आ गया तो ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी जाने वाले हैं। ठीक है, चलो एक बार ध्यान से देखो इसको, हाँ देवेश करेक्ट है बेटा, चलो है क्लियर। नहीं, यहां पे D मतलब क्या है, जैसे मैंने बस एंड बच्चे का एग्जांपल बोला था ना, ऐसे बोलेंगे कि बॉयज बिहाइंड 100 मीटर, बिहाइंड द बस 100 मीटर, तो वो 100 मीटर मतलब डी है, कॉमन सेंस है। अगर अगर उस बॉय को, शुभ माइक, अगर उस बॉय को, हाँ वंशिका फिर से बोल रहा हूं, ठीक है समीक्षा, यस आई एम रिपीटिंग दिस, इसको इक्वेशन को बाद में देखो, पहले मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूं उसको समझो। बस खड़ी है, कहां पे खड़ी है, मेरे 100 मीटर आगे, और मैंने जब बस को देखा, अरे वो मेरी बस से मुझे पकड़नी है,
वो शुरू हो गई, इसलिए मैंने भी भागना शुरू किया। मतलब जिस टाइम पे बस शुरू हो गई उसी टाइम पे मैंने अपनी मोशन स्टार्ट की। लेकिन अगर मुझे बस को पकड़ना है तो मेरे लिए कंडीशन क्या है कि मुझे इतनी जोर से भागना पड़ेगा कि मेरा और बस का जो 100 मीटर डिस्टेंस है प्लस उस टाइम में, कौन से टाइम में, जिस टाइम में मैं बस के पास जा रहा हूं उस टाइम में बस जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी मुझे कवर करना है उसी टाइम में। आप उसको रिलेट करो इस इक्वेशन में। बस यहां से निकली थी, बस को मैंने पहली बॉडी बोला है, फर्स्ट बोला है, मैं खुद या फिर कोई बच्चा है वो यहां से भाग रहा था उसको मैंने सेकंड बॉडी बोला। अब ये सेकंड बॉडी जो है इसको अगर फर्स्ट बॉडी को ओवरटेक करना है तो कॉमन चीज है, होगा क्या कि फर्स्ट बॉडी कोई भी एक डिस्टेंस कितना है, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगा, मैंने उसको D1 बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बॉडी या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो ये सेकंड बॉडी को उसने जो कवर किया था वो तो कवर करना ही पड़ेगा, प्लस जितना बिहाइंड था वो भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो दोनों को रिलेट करके, अब क्लियर होना चाहिए। अब अगर नहीं क्लियर हुआ तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा तब वो क्लियर हो जाएगा। है क्लियर? ओके शुभम, है क्लियर? समीक्षा, ओके। अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिख के दिए थे ये सारे के सारे एप्लीकेबल थे जब टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन दूंगा आपको ही सॉल्व करने, अगर नहीं आएंगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा। फिर सेम केस हम देखेंगे कि बॉडी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसके लिए भी मैं ऐसी स्टेटमेंट लिख के दूंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके लिए भी मैं ऐसी स्टेटमेंट लिख के दूंगा। अगर ये स्टेटमेंट आपके पास है तो एकदम सिंपल है, नहीं तो कैसे एग्जांपल आते हैं वो आपको अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट। आपको बोला जा रहा है कि पूरा क्वेश्चन लिख ही देता हूं, स्टार्ट के 2-3 क्वेश्चन लिख के देता हूं, बाद में मैं बस गिवन डेटा लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अ ट्रक पासेस by road and cross a rider, ठीक है, मोटरसाइकिल राइडर है, उसको क्या किया, क्रॉस किया with velocity 72 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम Rider starts his bike and accelerates it uniformly with an acceleration of 5 meters per second square. Then calculate time and distance, या फिर displacement बोलो, at which he मतलब rider overtakes the truck. आगे से इतने बड़े क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट गिवन डेटा लिखूंगा। चलो तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इमेजिन हो रहा है क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। और 2 स्टार मार्क करके पॉइंट लिखने हैं आपको, मैं पहले थोड़ा सा भूल गया था अभी याद आ गए। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ 2 नहीं 1 ही है, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा बोलो। अब ये क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसका मतलब क्या होगा बोलो। इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इट मींस, एक्सलेंट, वेरी गुड सनी, ग्रेट। हाँ स्वप्निल, वही लिखा है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। कीर्ति, ग्रेट, समझा सबको।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कब इंड्यूस्ड होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो हियर, ओके। और अगर इस तरह की सिचुएशन दी है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वी इंटू टी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंटू गिवन टाइम, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये स्टार मार्क करके पॉइंट लिखा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अलग से पहले वाले पॉइंट के साथ कंबाइन करो। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अब मैं क्वेश्चन भी रब करने वाला हूं, पहले इसको आप सब लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो बोलो, सॉल्व करना बहुत ईजी है। ऐसे राइडर खड़ा था, ट्रक क्रॉस कर गए, उसका ईगो आउट हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, बाइक स्टार्ट कर दी एट द सेम टाइम और भगा रहा है उसको और ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, तो उन्होंने बोला है कि जहां पे वो खड़ा था उसके कितने टाइम के बाद वो ट्रक को ओवरटेक करेगा, कितने डिस्टेंस के बाद वो ट्रक को ओवरटेक करेगा। चलो कम ऑन फास्ट, कर सकते सॉल्व, कुछ लगा सकते दिमाग। अभी आगे से जो है ना बेटा, एज अर्ली एज पॉसिबल, मैंने स्टार्ट में भी बोला, कलेक्ट योर मॉड्यूल्स नोट्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे लिख लिख के देंगे तो लेक्चर में तीन या चार ही क्वेश्चन होंगे। सो फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि मॉड्यूल में पेज नंबर ये पे ये क्वेश्चन है और वहां से रेफर करके हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व करने वाले। सो एज अर्ली एज पॉसिबल कलेक्टेड, ठीक है। यस वेरी गुड कीर्ति, यस तेजस वेरी गुड, आप बोल रहे हो बेटा करेक्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें समझ में आ रहा है कि दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, हम पहले चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि बॉडी मतलब जो दो बॉडी जिनके बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या डिफरेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या डिफरेंट है, कम ऑन फास्ट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या डिफरेंट है, ये पहले डिसाइड करना है आपको। जहां से मोशन शुरू हुई है, जहां से हम टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं, नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना बेटा, ट्रक कहां से आ रही है कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमारा राइडर खड़ा था और यहां से ट्रक ने उसको बाईपास कर ओवरटेक कर दिया, पीछे क्या हो रहा है, ट्रक कितनी स्पीड से आ रही है, कहां से आ रही है, नो डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब राइडर यूजेस उसे ओवरटेक कर रहा है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम तक का डिस्टेंस निकालना है, यस देव करेक्ट, मतलब यहां से इससे पीछे कुछ नहीं, यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना मतलब आना चाहिए कि जब मोशन स्टार्ट हो रही है तो दोनों बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या डिफरेंट है, ये क्लियर हो गया तो आगे का पार्ट बहुत सिंपल होता है। अभी सबको क्लियर है स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्योंकि राइडर यहाँ पे था, ट्रक की मोशन मतलब इसके बाद का ही डिस्टेंस चाहिए, इसके बाद का ही टाइम चाहिए, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, है क्लियर। चलो कम ऑन फास्ट, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, क्लियर है। ओके चलो डन। अब देखो कितनी सिंपल बात है, अगर आपको स्टार मार्क याद हो गए तो उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रक चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ द ट्रक इंटू टाइम करना पड़ेगा, हो गया फर्स्ट इक्वेशन। जो लिख के दिया था वो अप्लाई किया कि अगर ट्रक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा बाय वीटी, वीटी अभी लिख के दिया था एक मिनट पहले, क्लियर है सबको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इज वी इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इज वी इंटू टी, क्लियर। ओके डन। अब सेम बात अगर राइडर की देखेंगे तो वो यहां पे बेचारा रुका हुआ था, मतलब एट रेस्ट था, मतलब यू जीरो थी, एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे मूविंग यूनिफॉर्मली विथ एन एक्सेलरेशन बोला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइडर के लिए स्टार मार्क मैंने लिख के दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ द राइडर इनटू टी का स्क्वायर, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। चेक इट, इतने बड़े क्वेश्चन का पूरा कंक्लूजन दो इक्वेशन में आ गया। यहाँ पे बस आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन डेटा कौन है, ये नंबर दिख गया, मतलब ये हमारा गिवन डेटा हो गया, किलोमीटर पर आवर दिसले कि अपन त्याला काढतो आणि 5/18 के साथ में मीटर पर सेकंड लीतो, यहाँ पे वी कितनी दी आपको 72 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको 72 × 5/18 मीटर पर सेकंड लिखूंगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, तो वी बन गई 20 मीटर पर सेकंड।
यस वेरी गुड, ठीक है। बाकी तो ऑलरेडी एसआई सिस्टम में ही डेटा है। ये दोनों इक्वेशन कैसे आ गए, क्लियर है क्या सबको, क्योंकि अभी क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। चलो यश, वंशिका, कम ऑन फास्ट। यहाँ पे यूनिफॉर्म रह गया था, ये यूनिफॉर्म हो रहा है कीर्ति, लेकिन एक्सेलरेशन दिया नहीं था तो वो होता है कि वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है, ठीक है। ऐसे अगर नहीं दिया तो यस कीर्ति कर लिया, ओके क्लियर है सबको। अब बस क्या करना है, हमने पहले लिख दिया है कि अगर दो बॉडीज, दो गाड़ीज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी उनका क्या सेम होता है, यानी उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राइडर। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इनटू टाइम, दोनों को टाइम तो सेम ही मिलने वाला है इसलिए टी का टी रहेगा, इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द राइडर इनटू टी का स्क्वायर। यहां पे एक टी कैंसल, वीटी कितना है 20, 1/2 इनटू एक्सेलरेशन भूल गया मैं, आई थिंक 5 था, एक बार करेक्ट करो मुझे, एक्सेलरेशन 5 था, 5 था ना एक्सेलरेशन, यस ओके। तो यहां पे एक्सेलरेशन बनेगा 5 इनटू बनेगा टी, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये जो दो इक्वेशन थे इनको इक्वेट कर दिया और वैल्यू पुट कर दी, खत्म हो गया। अब आपका बेसिक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स, ये 20 इधर जाएंगे, ये बनेगा 40 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी, ये 5 इधर जाएगा, टी बनेगा 40/5, यानी टी विल बी 8 सेकंड। यस स्वप्निल करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब वो राइडर जो है बस 8 सेकंड में ट्रक को ओवरटेक करने वाला है केटीएम में उसके पास, एकदम हाई स्पीड से, क्लियर। लेकिन यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने डिस्टेंस के साथ में बोला था, क्या बोला था, डिस्टेंस के साथ में बोला था, क्या कैलकुलेट करो, नहीं नहीं टाइम के साथ में बोला था डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस कैसे होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी 20, टाइम कितना 8, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी 160 मीटर, खत्म फिनिश्ड। चलो क्लियर, वन मोर, अभी मैं पूरा स्टेटमेंट लिख के नहीं दे रहा हूं, स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं बस बोलने वाला हूं, ठीक है, स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ठीक है, मैं बस बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसे बोला है, अ बॉय क्रॉसेस अ साइक्लिस्ट एट रेस्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। क्या है स्टेटमेंट पहले, कि अ बॉय क्रॉसेस अ साइक्लिस्ट विथ साइक्लिस्ट एट रेस्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम साइक्लिस्ट starts his motion and accelerates uniformly with 1 meter per second ka square, then calculate the time and displacement in which cyclist overtake the boy. साइक्लिस्ट ओवरटेक्स द बॉय, ठीक है, यहां पे मैंने V फॉर B लिखा है मतलब बॉय, A फॉर C लिखा है मतलब साइक्लिस्ट है। चलो पहले क्वेश्चन क्लियर है सबको, आंसर तो आ जाएगा, क्वेश्चन क्लियर है, चलो कम ऑन फास्ट रिप्लाई करो, क्वेश्चन क्लियर है, सनी एक्सलेंट, सनी का आंसर भी आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर ही बोलेंगे शायद, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यस वेरी गुड सनी एंड कीर्ति, करेक्ट है बेटा दोनों के भी आंसर। यश क्या कर रहा है, वंशिका, देवेश, समीक्षा,
आशुतोष आया नहीं अभी तक। वंशिका 15, क्या है 15? टाइम या डिस्टेंस? अनिरुद्ध देखो सिंपल सी बात है, फिर से कंडीशन क्या है, यहाँ पे साइक्लिस्ट खड़ा था और बॉय ने यही से क्रॉस किया। पहले कहाँ से आ रहा है, चलते आ रहा है, भागते आ रहा है, गाड़ी पे बैठ के आ रहा है, एरोप्लेन में आ रहा है, कुछ लेना देना नहीं, लेकिन यहां से क्रॉस करके जा रहा है ये हमें समझ में आ गया। और ये जो बॉय है इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। कैसे आएगा वो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें मालूम है कि अब अगर बॉय यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेलोसिटी ऑफ द बॉय इनटू टाइम। उसी टाइम पे साइक्लिस्ट जो है अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, पहले रेस्ट में था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसका एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी मैं यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट विल बी 1/2 इंटू ए टी का स्क्वायर। इक्वेशन कैसे आ गए, उसके लिए स्टार मार्क जो थे मुझे वही काम पे आ रहे, आपको भी वही काम में आएंगे, ठीक है। Yes, I am getting answers और सारे के सारे answer correct है, मतलब ये समझ में आ रहा है सब लोगों। अब हमें मालूम है कि अगर cyclist इस boy को एक particular distance पे overtake कर रहा है, इसका मतलब दोनों का क्या same होगा, दोनों का displacement same होगा। तो करो equate इसको, अगर इनको equate करेंगे तो ये बनेगा VV into T is equals to 1/2 into AC into T square। पहले जैसा एक T cancel, एक टी कैंसल झाल्यावर मग काय राहिलं, व्हीबी कितना आहे 10 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्सलरेशन कितना आहे 1, टाइम कितना आहे टी है, टू इधर आएंगे टाइम बना 20 सेकंड, यानी सब कैंसल्स करेक्ट है, टी इज 20 सेकंड। अब डिस्टेंस चाहिए इसी टी को, यहाँ पे पुट करो कितना होगा 20 × 10 यानी 200 मीटर। दोनों का डिस्टेंस सेम होता है इसलिए बॉय का ले लो साइक्लिस्ट का ले लो। यस करेक्ट है, आई थिंक सबके आंसर करेक्ट है, आई विल चेक इट। अगर किसी को इश्यू है इसमें तो बोलो। देवेश का डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था, डिस्प्लेसमेंट चेक कर देवेश। तेजस का टाइम नहीं था, तेजस ने तन्विशा का टाइम नहीं था, तेजस का करेक्ट है। कीर्ति करेक्ट है, वेरी गुड, यस यस, चलो एक्सलेंट। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आएगा। अब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वो क्या करेंगे, चेंज में ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ऐसे तन्विशा मन से लेके नहीं चलेगा ना बेटा, जो दिया है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगेन आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, ओके नो इश्यू, आप करेक्ट करो। आगे का क्वेश्चन है और उसमें बोला है कि अ बॉय, एक मुलगा 100 मीटर बिहाइंड द बस, 100 मीटर बिहाइंड द बस। अब क्लियर हो गया, बस के बिहाइंड है मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, ठीक है। मतलब कंडीशन ऐसी दे दी कि अ बॉय 100 मीटर बिहाइंड द बस, यहां से अगर ये बस स्टार्ट होगी इसके पीछे 100 मीटर ये बॉय होगा, यानी अब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। आगे सुनो, इफ अ बॉय 100 मीटर बिहाइंड द बस ट्राई टू कैच द बस, उसको बस पकड़नी है, फॉर दैट ही वॉज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय दी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम जब इसने मूव होना, भागना शुरू किया 100 मीटर बिहाइंड था, तब एट द सेम टाइम बस स्टार्ट हुई, मतलब खड़ी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसको रिपीट कर रहा हूं। अ बॉय 100 मीटर बिहाइंड द बस मूविंग यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टू कैच द बस, एट द सेम टाइम बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी सॉरी विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देन क्वेश्चन ऐसा पूछा है, देन विल बॉय
कैच द बस, इतना ही बोला है। कितने टाइम के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद, वो नहीं चाहिए। बॉय बस को, कैच मतलब इसे हाथ में कैच ही आने वाली है, पकड़ रहा है मतलब बस के अंदर बैठना है उसको, इसलिए भाग रहा है बस के पीछे। तो पॉसिबल है क्या, बॉय पकड़ सकता है क्या? कमन फास्ट। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कमन फास्ट किसके पास कितना दिमाग है, कैसे लगाते देखते हैं। चलो शुरू हो जाओ, क्या करेंगे? यस तन्विशा, वेरी गुड। तो करो चेक बेटा, वो कर सकता है क्रॉस या नहीं। तेजस का आंसर भी आ गया, और तेजस का बोलना है कि ही कैन कैच द बस इन 10 सेकंड 10 सेकंड। लेकिन मुझे कुछ तो कंफ्यूजन लग रहा है तेजस। देखो जब बॉय यहां से भागना शुरू कर रहा है तभी बस यहां से शुरू हो रही है। तेजस चेक इट वंस, कम ऑन फास्ट। करो सॉली या वेट करो 2 मिनट के लिए? चलो सॉली कर देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। सब लोग ध्यान दो, जिनका आ रहा था आंसर रुको, यहां पे मैं कुछ कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो वेट करो और बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले सिचुएशन क्या होगी, हम यहां पे पुट कर देते हैं कि हमें मालूम है कि बस अगर एक्सेलरेटेड मोशन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस होगा हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर। लेकिन अगर इस बॉय को बस पकड़नी है तो बॉय को क्या करना पड़ेगा, पहले के 100 मीटर प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ये कवर करना पड़ेगा। जितने लोगों ने इतना इक्वेशन बना लिया, समझो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मतलब इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इक्वेशन सबको? एकदम चिल्लर, देखो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे समझ सकते हैं, इतनी सिंपल कंडीशन है, डायग्राम में भी है। इसको पकड़ना है मतलब बस जितना कवर करेगी प्लस 100 मीटर, या 100 मीटर स्किप थोड़ी ना होंगे, इसको आईडी करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? सिर्फ ये इक्वेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय मस्ट बी इक्वल टू 100 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय मस्ट बी इक्वल टू 100 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ये करेक्ट है। अब बॉय मूव हो रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको करो कन्वर्जन, ये बनेगी 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम डीबी को लेंगे स्पीड इंटू टाइम, एंड ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 100 प्लस ए कितना दिया है 2 कैंसिल होके बना टी स्क्वायर। नहीं आशुतोष, पहले बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारा थोड़ा सा। यहां पे मैंने ये वैल्यूज पुट कर दिए, ये स्टेप क्लियर है सबको? इस इक्वेशन में डी फॉर बॉय पुट कर दिया, डी फॉर बस पुट कर दिया, और मुझे इक्वेशन मिला। इज दैट क्लियर? कम ऑन फास्ट। ओके, अब यहां पे मुझे बोलो ऐसे वाले इक्वेशन को आप बोलते क्या हो? देखे होंगे ना ऐसे इक्वेशन 9th 10th में स्कूल में जब जाते थे तब, ऑनलाइन पढ़ते थे तब, क्या बोला जाता है? वेरी गुड, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिनको नहीं लग रहा था क्वाड्रेटिक, अब लगेगा। टी स्क्वायर प्लस टी उधर जाके माइनस टी प्लस 100 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अरे तन्विशा, लीनियर कहां से, क्वाड्रेटिक है ना ये, क्वाड्रेटिक पावर दो है इसमें, तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सबको? मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ओके, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा जो क्वाड्रेटिक यहां पे मिला है, स्वप्निल, स्वप्निल कैसे कट करोगे टी, मुझे बोलो बेटा। ऐसे कट नहीं होता ना, ऐसे कैसे कट करेंगे? यहां पे टी होता तो मैं कट करता था, यहां पे टी है नहीं। और हमारा जो इक्वेशन है वो है टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 100 इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करेंगे तो ए आ रहा है 1, बी आ रहा है माइनस 10, सी आ रहा है 100। ये तो सबको समझ में आ गया अभी, एबीसी ऐसे निकालते ना एबीसी की वैल्यू। ओके, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा पार्ट रब कर रहा हूं इधर का। अब हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने हैं, एंड क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए हमें एक टर्म लगती है, दैट इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोला जाता है, याद है किसी को? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट्स निकालते टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है।
क्या बोलते हैं इसको? देवेश, डिटर्मिनेंट नहीं बोलते बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। कीर्ति करेक्ट है। स्वप्निल, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट। तेजस, डिस्क्रिमिनेंट नॉट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अलग है, डिफरेंशिएशन अलग है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। यस, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। नहीं डिस्क्रिमिनेंट याद हो रहा है, सिर्फ डी बोलते, ऐसे याद रखा तो भी चलेगा, हमें कहां पे मैथ्स के पेपर में इसको लिखना है। ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। ओके, नो इश्यू। अब ध्यान दो आगे, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, विल ही कैच द बॉस और नॉट, तो पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ये डी के ऊपर से आंसर कैलकुलेट करते। कैसे? देखो यहां पे कंडीशन होती है, अगेन पहले वाले स्टार मार्क वाले पॉइंट में इसको आपको इंक्लूड करना है। अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट यानी डी पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी डी आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब होता है दे विल मीट, डेफिनेटली वो मिलने ही वाले, कोई नहीं रोक सकता, दे विल मीट। क्लियर? लेकिन लेकिन वहां पे एक सिचुएशन होती है, जब वो मिलेंगे वो ट्वाइस, दो बार मिलेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया, नॉन जीरो आ गया तो। कीर्ति, पॉजिटिव आ गया तो दे विल मीट बेटा, ठीक है, लेकिन कब? दो बार मिलेंगे। अब ये दो बार कैसे? भागा बच्चा, बहुत ईमानदार था, लेकिन बस में चढ़ते टाइम उसको समझ में आ गया, अरे ये मेरी बस नहीं थी, मेरी बस तो आगे की है, तो वो क्या करेगा? बस में नहीं बैठेगा और उसी स्पीड से भागता रहेगा। लेकिन बॉय की स्पीड यूनिफॉर्म है, वो बढ़ने नहीं वाली है, लेकिन बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगर ये बॉय बस में नहीं बैठा, भागता रहा रोड पे, थोड़ी देर बाद बस की स्पीड बढ़ेगी एंड बस बॉय को फिर से ओवरटेक करेगी, मतलब वो मोशन में दो बार ओवरटेक करते हैं। आगे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम उसको देखते हैं। हाँ कीर्ति, आंसर करेक्ट है बेटा आपका, यस। स्वप्निल, कर दिया बेटा अभी एक्सप्लेन दो बार क्यों। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका, इफ इट इज इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब होगा दे विल मीट, फिर भी मिलेंगे, लेकिन ओनली वंस, एकदाच, दूसरा चांस नहीं, संधि एकदाच, ठीक है। एंड वहां पे और एक कंडीशन आती है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब दे विल नेवर मीट, फिर सारी कायनात लग गई, फिर भी दे विल नेवर मीट, कभी नहीं मिलेंगे वो। ये तीन कंडीशन है, इसको स्टार मार्क करके एकदम छाप लो दिमाग में, हो गया। अब इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बोलो क्या होगा? रूट में b का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए, ए वन है, सी 100 है, तो ये आ गया 100 माइनस 400, रूट में आ रहा है माइनस ऑफ 300, रूट में माइनस 300 मतलब ये इमेजिनरी नेगेटिव नंबर है, तो उनका मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे बॉय बस को कैच नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन का आंसर है। समझ रहे सब लोग? यस आशुतोष, इमेजिनरी आ रहा है, नहीं वो फॉर्मूले में डिवाइड करते ना तेज, देवेश मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है अभी तक, कीर्ति क्या बोलू क्या, प्लीज टेल, इफ पॉजिटिव सो दे विल मीट टू टाइम, एक्चुअली आई वॉज सॉल्विंग एट दैट टाइम, ठीक है बाद में रिकॉर्ड लेक्चर सुन लो बेटा, अभी फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है चलो। तो हो गया ये, अब देख लो आप लोगों को, कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहा है कि नहीं सर वो तो मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे, है ना। होगा क्या, मैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझा देता हूं कि बॉय की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी बराबर, तो उसको 100 मीटर कवर करना है, स्पीड यूनिफॉर्म है, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा, डी बाई वी 100 बाई 10, यानी इसको लग रहा है 10 सेकंड, यहां तक आते आते 10 सेकंड लग गए,
लेकिन तब तक को ये बस आगे निकल गई, समझ में आ रहा है ना? तो ये 10 सेकंड में यहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, आगे कैसे जाएगा, मतलब वो मिलना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके तेजस, कोई इश्यू नहीं बेटा, ठीक है, ऐसे किया था लेकिन अभी लॉजिकली समझ में आ गया ना तेजस क्यों नहीं मिलेंगे। ओके, उससे पहले कीर्ति को और किसी को ये कंफ्यूजन था, ये ट्वाइस कैसे मिलेंगे। सुन लो कीर्ति अभी फिर से एग्जांपल, कि हो रहा है क्या कि मैं बस पकड़ने के लिए भाग रहा था और उस टाइम में हुआ क्या कि जब मैं पास के में गया बस के, फिर मुझे समझ में आ गया कि बस मेरी नहीं है, मेरी बस तो आगे है, तो मैं बस में नहीं बैठूंगा, मैं आगे भागता जाऊंगा। मतलब मैंने एक बार उसको ओवरटेक कर लिया, लेकिन मेरी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वो बढ़ने नहीं वाली है, लेकिन मेरे बाजू में से जो बस पास होती है उसकी स्पीड तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो फिर से बस क्या करेगी, अगेन मुझे ओवरटेक करेगी, इसलिए वो दो बार मिलते हैं। कीर्ति क्लियर? ओके, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस दो ही हो गए, कल हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आज जो मैंने स्टार मार्क करके पॉइंट आपको लिख के दिया है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे